वीकेंड न्यूज एमपी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। कल से शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं। हर तरफ लोग मां की भक्ति में लीन हैं। भक्त 9 दिन तक मां देवी की उपासना करेंगे। वहीं जगह जगह पे अब गरबा भी शुरू हो जाएंगे। ऐसे में राजधानी भोपाल में बिना आईडी कार्ड गरबा में नो एंट्री रहेगी। जी हाँ, मध्य प्रदेश में गरबा पंडालों में बिना पहचान पत्र दिखाए एंट्री नहीं होगी। वहीं अब इस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश में गरबा आयोजन को लेकर हाल ही में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गरबा आयोजक पंडाल में आने वाले सभी लोगों की आइडेंटिटी चेक करे। यह शक्ति की आराधना का पर्व है, माँ की पूजा के दिन है। आई कार्ड दिखाना जरूरी है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित न हो। हमारी आस्था का केंद्र है माँ दुर्गा, आराध्य, और ये धार्मिक आयोजन है। इसमें पूरी शांति के साथ में, सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ में, धार्मिक भावनाओं के साथ में गरबा होता रहे और कोई आशंका कुशंका किसी के मन में न रहे। इसलिए आयोजनकर्ताओं से कहा है कि आई कार्ड देखकर ही प्रवेश है। बता दें कि भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने गरबा में एंट्री आईडी कार्ड दिखाकर करने की मांग की थी। साथ ही हिंदूवादी संगठनों की मांग के बाद भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने गरबा आयोजकों को बिना आईडी प्रवेश नहीं देने का निर्देश जारी किया है। वहीं इस मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो लोग जय माता दी नहीं बोलते, जयकारे नहीं लगाते, उन्हें गरबा में प्रवेश नहीं करना चाहिए। दरअसल नवरात्र में प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत शहरों में बड़े स्तर पर गरबा का आयोजन होता है। इसमें युवक युवतियां भाग लेते हैं। वहीं इसे लेकर मंत्री उषा ठाकुर ने इसे लेकर कहा था कि जो भी अल्पसंख्यक अपने धर्म से ऊब गए हैं या फिर जिन्हें मूर्ति पूजन में आस्था है, वो अपने परिवार के साथ गरबा में आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे धर्म के लोग जो गरबा में आना चाहते हैं, उन्हें परिचय पत्र दिखाकर गरबा में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं मंत्री उषा ठाकुर ने कहा था कि गरबा पंडाल लव जिहाद का माध्यम बन गए थे, जिनमें प्रवेश के लिए अब परिचय पत्र दिखाना होगा। यह फैसला अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है। इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज एमपी। वीके न्यूज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा, देश सुनेगा।